हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल का दिस साइड अभी शर्मा। जैसे कि आज आप लोगों को पता है, आज मैं बताने वाला हूँ 30 सेकंड में शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न। बिल्कुल मैं लापरवाही नहीं करूंगा, 30 सेकंड में शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा। बिल्कुल भी हम देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, सीधा हम चलेंगे टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक्स पर चलने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आप भाई नए हो ना मेरे चैनल पर तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैनल तो यार देखो सब्सक्राइब बनता है, एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जहां पर आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यूज करके डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक मिनट के चार्ट में हम शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेंगे, क्योंकि भाई हम लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड। ओके चलो देन स्टार्ट होने वाली है, तो हम 1 मिनट में लेंगे। ओके ये रेड कैंडल आएगा, ये रेड कैंडल आएगा, और यहां पर हमने मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए, काफी सारे प्लेस कर दिए, क्योंकि ये 100% शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है मेरी, क्योंकि ये एक रेड कैंडल आने वाला है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। चार्ट हमारा रुक रुक गया, लेकिन बट डोंट वरी, ये एक ग्रीन कैंडल में आ चुका होगा, मुझे इतना पता है। देखो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो देखो ये तो ट्रेड मेरी होने वाली है शॉर्ट शॉर्ट, मैं बताऊंगा 30 सेकंड के चार्ट में। ये मैंने 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड लिए, पहली बता रहा हूँ, ये 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड लिए। यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न जो मार्केट भी फेल नहीं कर सकती है। ओके तो देन सीधा सीधा बोलूंगा, समझना ध्यान से, छोटी वीडियो है लेकिन मजा आने वाला है, छोटी वीडियो के अंदर में ठीक है, मजा आने वाला है, मजा जिसे बोलते हैं ठीक है। तो देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 गो, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो गया, चार्ट थोड़ा रुक रहा है, शायद नेटवर्क इशू है आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मेरा नेटवर्क गड़बड़ होगा, वाईफाई है यार, अच्छा खासा है नेटवर्क चल रहा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन पता नहीं हो सकता है। चलो अब हम करते हैं सबसे पहले 30 सेकंड का चार्ट, क्या करते हैं 30 सेकंड का चार्ट, 30 सेकंड क्या है ये, 30 सेकंड, 30 सेकंड का चार्ट है, और 30 सेकंड ही आपको टाइम सेट करना है। क्या देखो 30 सेकंड का चार्ट है और 30 सेकंड का टाइम, तो देखो ये रहा 30 सेकंड का टाइम, यहां ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान देना है एंड मेरी माउस के सर्कल पे ध्यान दीजिए। 30 सेकंड का चार्ट है, 30 सेकंड के कैंडल है, 30 सेकंड का ही टाइम सेट करना है ट्रेड लेने के लिए। अब देखो आपको करना क्या है भाई, बहुत छोटा सा पैटर्न है, बहुत सिंपल सा है, जो 30 सेकंड में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है ठीक है। देन क्या है समझो, जब भी मार्केट के अंदर में आपको एक रेड कैंडल दिखे, एक रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल दिखे, क्या बोलती है पब्लिक, सुनो मेरी बात, जब भी मार्केट में एक रेड कैंडल दिखे, एक रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल दिखे, तो इन दोनों कैंडलों को छोड़ के तो तीसरे कैंडल से आपको आठवां कैंडल गिनना है। जैसे कि रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाए, देखो मैं जूम कर लेता हूं और अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ठीक है। ये देखो ये रेड कैंडल बनाए, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाए ठीक है। अब इस यहां से इन दोनों कैंडलों को छोड़ते हैं, यहां से गिनते हैं आठवां कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह, सात, आठ। आठवां जो कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से, आठवां जो कैंडल होगा वो ग्रीन बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ और देखना क्या, रेड के बाद में ग्रीन, यस रेड के बाद में ग्रीन देखना, फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न रेड के बाद में ग्रीन, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी एग्जाम्पल, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 30 सेकंड का चार्ट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि एक रेड कैंडल बना है, यस एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बना है, तो यहां से हम नेक्स्ट आठवां कैंडल गिनेंगे, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को यहाँ पर छोड़ते हैं, ऊपर से गिनते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल और एंड आठवां कैंडल जो डीप ग्रीन बना, आठवां कैंडल ग्रीन बनेगा भाई 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्यूरेसी मुझे मिल रही है, जो मैंने मार्केट में बैक टेस्टिंग की है इसकी बहुत अच्छे से एंड मैंने प्रॉफिट बनाया है इससे बहुत सारा, तो जो बैक टेस्टिंग मैंने देखी है बहुत अच्छा मुझे लगा एंड बहुत अच्छा मैंने प्रॉफिट भी बुक किया और टारगेट मेरे हिट रहा ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए सोचा यार आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। और क्योंकि यार मुझे कल मिला था ये, कल से मैंने प्रॉफिट बना, कल भी बनाया और आज भी प्रॉफिट मैंने अच्छा खासा बनाया, तो देन मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं सोचा यार इस पर वीडियो बनानी चाहिए और मुझे आप लोगों के लिए ये पैटर्न देना चाहिए, ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करा, कब तक करेगा आई डोंट नो, लेकिन इतना बोल रहा हूँ जब भी वीडियो देख रहे हो ना, भाई प्रॉफिट बुक करो एंड बैक टेस्टिंग करो, भाई काम कर रहा है तो अच्छा प्रॉफिट बनाओ, इतना मुझे पता ही काम करेगा, लाइफ टाइम काम करेगा, क्योंकि ये 30 सेकंड का चार्ट है, क्योंकि 30 सेकंड के चार्ट में बहुत सारे पैटर्न है जो लाइफ टाइम हमारे साथ में काम करते ही करते हैं ठीक है, 1 मिनट में भी काम करते हैं, लेकिन 30 सेकंड, 30 सेकंड में बहुत अच्छा और काम करता है ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। देन अब इसमें एक और आप लाइव बैक, एक और मतलब बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो और देखो ध्यान से सुनो, एक रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल ठीक है, दोनों कैंडलों को छोड़ते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को छोड़ते हैं, तो वहां से गिनते हैं ऊपर से, एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठवां कैंडल आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा, ये गारंटी है भाई, गारंटी गारंटी, जो मुझे एक्यूरेसी इसकी मिल रही है वो मुझे मिल रही है 95, ओनली 95,
95 ओनली नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि 80-80% बहुत सारे इंडिकेटर देते हैं, लेकिन ये पैटर्न 95 एक्यूरेसी मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने अभी तक देखा क्या, एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आना। अब हम देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आना, क्या बोलती है पब्लिक, मेरी बात ध्यान से सुने। अब हम देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में, ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आना। अभी मैं जो बता रहा था प्रेजेंट में, जो बता रहा था स्टार्टिंग से, वो मैंने बताया अभी आपको, एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आता है, तो रेड और ग्रीन कैंडल को छोड़ के ऊपर से फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट कैंडल से गिरे, आठवां जो कैंडल होगा वो ग्रीन आएगा। ग्रीन आप, ग्रीन नहीं आता तो वहां पर आप मल्टीकल यूज कर लेना एंड प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। ठीक है, एंड 95% की एक्यूरेसी आ रही है, पहले ही बोल देता हूं मैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल का आना, क्या बोलते हैं पब्लिक, एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल का आना, तो उसके बाद में रेड कैंडल का आना है तो हम वहां से हम करेंगे दोनों कैंडलों को छोड़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैंडल से करेंगे तीसरे कैंडल से, तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठवां कैंडल। यहां भी आठवां जो कैंडल आएगा वो ग्रीन आएगा, ना कि रेड आएगा। सुन लो मेरी बात पहले, सुन लो पहली बात मेरी, यहां पर जो चीज मैंने अभी आपको बताया है प्रेजेंट में, कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में, फिर ग्रीन कैंडल के बाद में नेक्स्ट रेड कैंडल आता है, रेड कैंडल को छोड़ के फिर वहां से गिने जाएंगे आठ कैंडल, आठवां जो कैंडल आएगा वो ग्रीन आएगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पहले ही बोल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, देखो यहां ध्यान दो, मेरे माउस के सर्कल पे आप ध्यान दो, थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू है मुझे ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, हम यहां भी ध्यान लेते हैं। देखो 30 सेकंड का चार्ट है, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रही है आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, बट डोंट वरी, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अगर एक, यहां पे ध्यान दो, ये ग्रीन कैंडल है, यहां ध्यान दो, ये ग्रीन कैंडल है, यस, ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आता है, तो वहां से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को छोड़ के वहां से करेंगे आठवां कैंडल, तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांचवा कैंडल, छह कैंडल, सातवां कैंडल, आठवां कैंडल, आठवां कैंडल ग्रीन आएगा। चाहे आप ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल ले लो, चाहे आप रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल ले लो, गिनना आपको सीधा आठवां कैंडल है, बस आपको दो कैंडल छोड़ देने कि एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन आता है, उसके बाद छोड़ देना दोनों कैंडलों को, आगे से तीसरे कैंडल जो है वहां से आपको कंटिन्यू गिनना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, ऐसे ही आपको ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आता है, ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आता है, तो दोनों कैंडलों को छोड़ना है, छोड़ने के बाद में आपको नेक्स्ट आठवां कैंडल गिनना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, तो वो दोनों जो आएंगे, दोनों जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ, दोनों ही पैटर्न में आपको ग्रीन ही कैंडल आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ी सी हम इसकी बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं और लाइव। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, एक ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आता है, तो आठवां कैंडल क्या बनेगा, ध्यान दो मेरी बात, यहाँ पे देखो लाइव चल रहा है, देखो ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, एक दो तीन चार पांचवा चल रहा है, दो, लेकिन ऊपर भी ध्यान दो, एक डोजी बनाए, ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड आता है, तो एक दो तीन चार पांच छ, ये सातवां कैंडल है, ये सातवां कैंडल है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, जो एक ग्रीन और जो रेड कैंडल होते हैं, उन डोजी कैंडलों को ज्यादा मत गिनना। ठीक है, डोजी कैंडल ऐसे होते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर लेंगे, एक ग्रीन बाद रेड आता है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, ये भी ग्रीन कैंडल आएगा, ये मैं 30 सेकंड के लिए, ओ सिट 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 सिट, हमारी एंट्री बहुत यहाँ पर लग चुकी है, और वो भी 25। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की मैंने यहाँ पर लगाई है एंट्री। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली है कॉल डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा एंट्री हमारी लेट हुई है, क्योंकि तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा ऊपर एंट्री लग चुकी है, तो ये हमें दिक्कत पैदा कर देती है। ठीक है, देखते हैं लॉस प्रॉफिट क्या होता है, लाइव ट्रेड ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन बट थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आज, पता नहीं यार मुझे क्या है, ये ट्रेड आई थिंक विन हो गया, या ओके वे, ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, बहुत शॉर्ट विन हुई है। देन इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मेरे भाई बहुत सिंपल सा है, ग्रीन कैंडल बनेगा, यस मैंने बोला ग्रीन कैंडल ही बनेगा, तो यहाँ पे जान दो, देखो ये वाला, देखो ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाला ग्रीन के बाद में रेड आया, यस, तो यहां से करेंगे नेक्स्ट कैंडल से एक कैंडल, दो तीन चार पांच छ सातवां और आठवां, और मुझे यहां पर प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो देन भाई मेरे भाई यही है इसका फॉर्मूला, आपको अच्छे से यूज करना है, बैक टेस्टिंग करो, डेमो में यूज करो, डेमो में मजा आया तो लाइफ में यूज करो, प्रॉफिट बनाओ, और मुझे स्क्रीनशॉट दो। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आ जाना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जहां पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यूज करें, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अब एक और पैटर्न बता दूं, वी पैटर्न। वी पैटर्न क्या है, वी पैटर्न वेरी वेरी सिंपल है,
1 मिनट में आपको वी पैटर्न पता है, लेकिन 1 मिनट के पैटर्न में आपको एरल भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 30 मिनट 30 सेकंड के जो चार्ट में एरल नहीं है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर देखा 95% आपकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, 95%, यस 95% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको मैं एक और पैटर्न बताता हूँ, ठीक है, तो तीन पैटर्न हो जाएंगे। अब वी पैटर्न देखो, सिंपल वी पैटर्न आपको सभी को पता है, एक उल्टा वी होता है, एक सीधा वी होता है, वी पैटर्न मैजिक वी आपने देखा ही होगा, बहुत सारी वीडियो में आपने नॉलेज ली होगी। अब देखो रेड कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल है, और यहीं से मार्केट स्टार्ट हो रही है, रेड और एंड ग्रीन, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है। जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो नीचे भी आ रही है। मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा इससे ना आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये रही, ये लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा और कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये देखो रेड के बाद में ग्रीन आ रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ये उल्टा वी हो गया, वी वी वी। और जब भी मार्केट यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे नीचे, और देन मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस क्रॉस कर रहा है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर एक वी पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, और जब भी मार्केट में वी पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट कैंडल का हमको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है तो उसके बाद भी सेम डायरेक्शन में मार्केट जाते हैं, तब भी मार्केट में ग्रीन ही कैंडल आपको देखने को मिलेगा, मतलब सीधा वी हो या उल्टा वी हो, मार्केट सेम डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मार्केट सेम डायरेक्शन में जाएगी, चाहे सीधा वी हो चाहे उल्टा वी हो, मार्केट सेम डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक वी यहाँ पर बनाया, ऊपर गया मार्केट फिर नीचे आया, तो देन यहाँ पर एक वी पैटर्न है। जैसे कि ये वी पैटर्न है, वी पैटर्न बनने के बाद में भाई नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, तो नेक्स्ट भी कैंडल एक ग्रीन बना, जैसे कि आप लोगों ने देखा है प्रॉफिट हुआ। यस मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं चाहता हूँ और आप भी अच्छे से समझें और प्रॉफिट बनाए। देखो यहां ध्यान दो, ग्रीन के बाद में रेड आया, मार्केट इस पॉइंट से स्टार्ट है, ग्रीन के बाद में रेड आया, यस रेड आया, मार्केट फिर नीचे गया, नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया, तो यहां पर एक सीधा वी, यहां से जैसे कि ये मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो, जैसे कि यहां से स्टार्ट हो रहा है फिर नीचे आ गया फिर ऊपर जा रहा है, तो यहां पर एक वी पैटर्न आपको देखने को मिला है। सेम ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया तो यहां पर एक वी पैटर्न बना है, वी पैटर्न बनने के बाद में आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट बनना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, आपको सेम डायरेक्शन में जाना है। तो रेड कैंडल आपको देखने को मिला है, तो मार्केट में रेड कैंडल दिखा तो भाई सेम डायरेक्शन में जाना है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा, 95% एक्यूरेसी आ रही है, प्रॉफिट बना लो जितना जल्दी हो सके, लूट लो मार्केट को, ठीक है, बहुत अच्छा काम करा है, आप बहुत सेल्फ ट्रेडिंग करके आप टारगेट हिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको फ्री में लर्निंग चाहिए, फ्री में कोर्स सीखना है, आपको बाइनरी ट्रेडिंग का कोर्स सीखना है, बहुत सारे पैटर्न सीखने मार्केट के अंदर, जो 40 से 50 पैटर्न है मार्केट के अंदर में, तो भाई मैं अपने वीआईपी ग्रुप में फ्री ट्रेडिंग देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज मैं आपको देने वाला हूँ फ्री में, सिर्फ ऑनली वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है। जहां पर मैं देखो ये नहीं कर रहा, मैं पैसे देके भी कोर्स दे सकता था, लेकिन यार नहीं, पैसा मुझे किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी ग्रुप में यह है कि वीआईपी ग्रुप में जो लोग आते हैं वो सीरियसली लोग होते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं, तो वहां पर मैं सीरियसली होकर सभी लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग का कोर्स पूरा प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में, ठीक है। देन वहां पर गिव अवे भी आपको मिलेंगे, गिव अवे मिलेंगे, एंड आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे जहां पर आप अपना कैपिटल डेली का 10 से 20% गेन कर लेंगे, ठीक है। तो देन ये चीज समझ में आ गई होगी जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर है, चाहे उल्टा भी हो चाहे सीधा भी हो, देन आपको काम यही करना है। आप मैंने आपको वी पैटर्न तो बता दिया है, ठीक है, कैसे काम करता है, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी वी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देन यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आया, तो हम आठवां कैंडल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कैंडल रेड बनाया, आठवां कैंडल रेड बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आठवां कैंडल जो रेड बनाया, तो आप रेड बनाने के बाद में आप मल्टीपल भी आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल भी आप यूज करेंगे। देन आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वी पैटर्न, आपको वी पैटर्न का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करूं, आपने देखा होगा यहां पर एक वी पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, अब देखो ये लॉस है क्यों, ये लॉस है क्यों, आपको कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मैं पहली बोल दे रहा हूँ, फिर मेरे पास में जवाब मत मैसेज मत करना कि भाई लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो मेरे पास इस तरीके से मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने बता दिया इस तरीके से प्रॉफिट होगा, तो मैं आप वही चीज में बता रहा हूँ कि आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, रीजन क्या है, ऐसा रीजन क्या है। देन सीखो मेरी बात, ग्रीन के बाद में रेड आता है, तो देन आपको आठवां कैंडल लेना है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 5 6 7 8, आठवां कैंडल रेड बना है, रेड बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही बना है,
मतलब ग्रीन कैंडल नहीं आया, थर्ड कैंडल ग्रीन आया। इसका रीजन ऐसा क्या है? इसका रीजन ये है कि मार्केट रेड और ग्रीन यहाँ पर मेरे पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। जब स्टार्ट हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो नीचे आ रही है। जो ये रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल है तो ये इन दोनों के पॉइंट, मतलब वीक से इन दोनों के पॉइंट जो ओपनिंग पॉइंट है वहां पर टच किया है। जब मार्केट टच कर रही है तो मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले रही है, क्योंकि ये 30 सेकंड का चार्ट है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना रही है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना रही है। तो आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इस ऐसे पॉइंटों पर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट पॉइंट पर बना है। तो नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन दे रहा है, जब ग्रीन दे रहा है अच्छे से, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल जो बना है, तो आपने देखा होगा अपनी ही वीक से यहाँ पर एक छोटा सा वी पैटर्न है, उल्टा वी जो अपनी वीक से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तो यहाँ पर एक वी पैटर्न बना है। ये तो सिर्फ टच है, मतलब छोटा सा हल्का सा रेड कैंडल ने तो हल्का सा टच किया इस पॉइंट को, ठीक है। हल्का सा पॉइंट टच करने के बाद में ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में छोटा सा एक आपको यहाँ पर वी पैटर्न दिख रहा है। जब वी पैटर्न बनता है तो आपको बिल्कुल भी ग्रीन कैंडल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है या ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। तो अभी रेड बनाया तो आपको यहाँ पर रेड लेनी चाहिए वी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ऐसे में आपको सिर्फ वी पैटर्न पर ट्रेड करनी चाहिए, ना कि उन पैटर्नों पर जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट को और भी पैटर्न फॉलो करके चलना होता है, जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हो पाती है, फिर आप कहीं भी ट्रेड प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं भाई ये कहीं यहाँ पर काम नहीं कर रहा, भाई ऐसा यहाँ पर क्यों काम नहीं कर, क्योंकि रीजन है भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत पैटर्न है। तो मार्केट में और भी पैटर्न देखना होता है, मार्केट को और भी पैटर्न फॉलो करके चलना होता है। एक एक छोटी छोटी बारीकी चीज आपको देखनी होती है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। छोटी छोटी चीज, वही चीज मैं अपने वीआईपी ग्रुप में बताता हूँ भाई, आपको छोटी छोटी चीज सीखनी है। एंड अपने वीआईपी ग्रुप में मैं डेली देता हूँ कि आपको भाई इसके बेस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसके बेस पर करनी चाहिए। मैं एक चीज प्रोवाइड करता हूँ, एक ऐसा पैटर्न प्रोवाइड कराता हूँ, ऐसी ट्रिक प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे वो कंटिन्यू अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वीआईपी ग्रुप से तो ग्रो करते हैं, ट्रेड से तो ग्रो करते हैं, जो मैं सिंगल प्रोवाइड कराता हूँ उससे तो ग्रो करते हैं, लेकिन जो चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसको सेल्फ ट्रेडिंग करके वो भी और अपना कैपिटल ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, मैं थोड़ा जल्दी आज फास्ट बोल रहा हूँ, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अंदर से ऑटोमेटिकली मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो रियली सॉरी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आया, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे देखो एक वी पैटर्न बना, वी पैटर्न बनाया तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाया, तो यस ग्रीन बनाया, तो नेक्स्ट कैंडल पे भी आपको ग्रीन कैंडल के लिए ही जाना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाना, क्योंकि वी पैटर्न 30 सेकंड में बहुत तगड़ा काम कर रहा है। जिस लूट सकना है तो लूट लेना है, मैं सीधा सिंपल सा बोलूंगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा बना लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैक टेस्टिंग करो, अच्छे से प्रॉफिट बनाओ, एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, आओ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में एक बार माहौल देखो अपने भाई का, कि भाई है क्या चीज। लोगों के दिखावे के चक्कर में मत आना, क्योंकि दिखावे के चक्कर में जाओगे तो वहां पर फंस जाओगे, क्योंकि लोग दिखावा बहुत करते हैं और अपन भाई दिखावा नहीं करते। जो रियलिटी है वो रियलिटी चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वीडियो को विश्राम दे रहा हूँ, आ जाना, विश्वास करना मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, और जब भी मौका दे तो चौका लगा देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, एंड अभी नाइट हो रही है तो मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ उसको, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय।